हेलो स्टूडेंट्स, मैं धनंजय पांडे शिवाजी देव इंटरमीडिएट कॉलेज के इस ऑनलाइन पोर्टल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हम लोग पढ़ रहे थे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जो कक्षा 9 और 11 में बायोलॉजी विषय के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए हम लोग इसको पहले कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, जल्द से जल्द कवर हो जाए। तो इसमें हम लोग पढ़ रहे थे कोशिकांग, तो कोशिकांगकों में हम लोगों ने माइटोकांड्रिया, पहले सेल वाल को देखा था, सेल वाल के बाद सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो कोशिकांगक है, कोशिकांगक में प्लास्टिड देख लिया है हमने, माइटोकांड्रिया देख लिया है हमने, फिर उसके बाद राइबोसोम को देख लिया है। इसके बाद हम लोग इसमें नेक्स्ट कोशिकांगक देखेंगे आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हिंदी में इसका नाम हिंदी में है और इसको कहते हैं हिंदी में अंतःप्रद्रव्यी जालिका। तो इसका हिंदी में नाम है, हिंदी में नाम इसका है अंतःप्रद्रव्यी जालिका, ठीक। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रद्रव्यी जालिका इसका नाम है। तो अंतःप्रद्रव्यी जालिका इसका जो खोज है, इसका खोज किया था किसने, इसका खोज किया था पोर्टर ने, खोज किया था पोर्टर ने, और पाया ये कहा जाता है, ये सबसे पहले खोज किया था पोर्टर ने है क्या, यह दोहरी एकक कला, दोहरी एकक कला डबल मेम्ब्रेनस दोहरी एकक कला वाला कोशिकांगक है, दोहरी एकक कला वाला कोशिकांगक है। ठीक, पाया कहा जाता है प्रोकैरियोट एवं स्तनियों के आरबीसी में अनुपस्थित होता है। तो देखिए, ये अंतःप्रद्रव्यी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका खोज किया था पोर्टर ने, और यह क्या है कि दोहरी एकक कला वाला कोशिकांगक है, लेकिन ये मतलब कि ये भी डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स होता है, और ये प्रोकैरियोट और स्तनियों के आरबीसी में अनुपस्थित होता है, यानी कि प्रोकैरियोट में भी नहीं पाया जाएगा, स्तनियों के आरबीसी में भी नहीं पाया जाएगा। भैया प्रोकैरियोट में क्यों नहीं पाया जाएगा, देखिए तो प्रोकैरियोट में इसलिए नहीं कि प्रो मतलब पूर्व केंद्र की, जिसमें केंद्रक क्या रहता है, डेवलप नहीं रहता है, विकसित नहीं रहता है। तो केंद्रक जब विकसित नहीं रहता है तो उसमें क्या है कि ये जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, मान लीजिए यह आपका सेल है, तो इस कोशिका में ये जो केंद्रक आपका, मतलब हम जब स्ट्रक्चर बताए थे तो आपको बताए थे यहाँ पे एक केंद्रक है, इसी की झिल्ली से यानी कि जो न्यूक्लियो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, यहीं से आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लगा रहता है, इसी से लगा रहता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसी से लगा है। तो इसके झिल्ली से लगा, जब केंद्रक ही नहीं है, केंद्रक ही अल्पविकसित है, तो ये कहां से पाया जाएगा, कैसे लगा रहेगा। तो इसलिए क्या है कि यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वह प्रोकैरियोट में भी नहीं पाया जाता और स्तनियों के आरबीसी में भी नहीं पाया जाता, क्योंकि इनके आरबीसी में क्या है, केंद्रक विहीन होता है। आरबीसी क्या होता है, केंद्रक विहीन होता है, यह आप लोग पढ़ेंगे ब्लड तो उसमें आपको बताया जाएगा, आरबीसी भी केंद्रक विहीन होता है, तो इसलिए आरबीसी में भी नहीं पाया जाएगा ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और प्रोकैरियोट में भी नहीं पाया जाएगा। ऐसे क्या है कि इस टर्म से याद रखने से आपको ये रटना नहीं पड़ेगा, ठीक।
यानी कि जब आपको दिमाग में रहेगा कि प्रोकैरियोट है, तो प्रोकैरियोट में जब केंद्रक ही अल्पविकसित है तो केंद्रक से ही केंद्रक के मेम्ब्रेन से लगा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो कहाँ होगा? इसमें तो केंद्रक ही नहीं है आरबीसी में, तो पाया कहाँ से जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी, जाहिर सी बात है। तो ये चीजें क्या है कि आपका ये खोज पोर्टर ने द्वारीय का कला से घिरा कोशिकांग का प्रोकैरियोट और अस्तनियों का आरबीसी में अनुपस्थित होता है। दो चीजें आपकी कंफर्म हुई। इसके बाद क्या है तीसरी चीज, इसकी संरचना के विषय में हम लोग देखेंगे। ठीक, इसकी संरचना कैसी होती है? तो एक चीज तो आप लोगों ने देख लिया कि ये मान लीजिए कोशिका है और ये क्या है हमारा न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में ही क्या है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। ठीक, तो ये इन्हीं से लगा हुआ रहता है आपका, ये जो फोल्ड है कोई निश्चित नहीं है, किसी भी एंगल से कहीं से भी फोल्ड हो जाएगा। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन से लगा हुआ रहता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। एक सिरा इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लगा रहता है और दूसरा सिरा इसका क्या है कि ये जो आपका सेल मेम्ब्रेन है, इस सेल मेम्ब्रेन से लगा रहता है, यानी कि प्लाज्मा लेमा जो है इससे लगा रहता है। एक सिरा इससे लगा रहेगा और एक सिरा इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लगा रहेगा। कोई फिक्स नहीं है कि हर कोशिका में यह दोनों सिराएं लगी ही रहेंगी। हो सकता है कि एक कंडीशन में यहाँ से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से न लगा रहे बल्कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही लगा रहे, और हो सकता है एक कंडीशन में कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ना लगा रहे बल्कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लगा रहे। लेकिन इन जनरल ऐसा माना जाता है कि यह जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यह एक सिरा इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से और एक सिरा इसका प्लाज्मा लेमा से लगा हुआ रहता है। ठीक है, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये आपका तीन प्रकार से होता है, इसका स्ट्रक्चर तीन तरह का होता है। तो यह नलिका तीन तरह के स्ट्रक्चर इसके हैं, तीन तरह के स्ट्रक्चर में आपका ये जो पहले हम लोग बनाए हुए थे, ये जो स्ट्रक्चर है देख रहे हैं चपटा चपटा स्ट्रक्चर है। तो जो ये स्ट्रक्चर आपका है, अगर संरचना ऐसी होगी, और हम ये भी बताए थे कि इस पे क्या है राइबोसोम के कण पाए जाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, तो ये जो चपटी संरचना है, तो ये चपटी हुई जो संरचना है, तो इस चपटी संरचना को कहते हैं हम लोग सिस्टर्नी, हिंदी में भी लिख सकते हैं सिस्टर्नी। ठीक है, अगर मान लीजिए कि यह गोलाकार संरचना है, गोल गोल पाया जा रहा है, गोला गोला आकार में ऐसे, अगर एक गोला गोला पाया जाता है तब इसको कहते हैं वेसिकल्स। ठीक है, चपटी है तो सिस्टर्नी, यानी कि यह संरचना कैसी है, चपटी है, चपटी है आपकी तो सिस्टर्नी, गोल है तो वेसिकल। तीसरा इसका है कि आपका ट्यूबुलर, ट्यूबुलर यानी नलिका आकार का, नली के आकार का रहेगा ऐसे, ये नली नुमा रहेगा, अगर नलिका आकार का अगर पाया जाएगा तो इसे कहते हैं ट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो ये तीन इसकी संरचनाएं हैं आपकी, चपटी
चपटी संरचना को क्या कहते हैं, सिस्टर भी कहते हैं, गोलाकार संरचना को क्या कहते हैं, वेस्किल कहते हैं, और एक नलिका आकार संरचना को क्या कहते हैं, ट्यूब्यूल्स कहते हैं, राइबोसोम इस पे लगे हुए रहेंगे, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वह क्या है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एक सिरा और दूसरा सिरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ रहता है। इसमें जो पाई जाने वाली चपटी थैलियों को सिस्टर्निक कहते हैं, गोलाकार थैलियों को वेस्किल्स कहते हैं, और नलिकाकार थैलियों को ट्यूब्यूल्स कहते हैं। इसके बाद इसको आप लोग बना लीजिएगा अपने बुक में, फिर कॉपी में। तो इसके बाद अगर जो नेक्स्ट जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काइंड्स कि कितने प्रकार का है, टाइम्स आप 60 में इसको लिखते हैं ER, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को 60 में लिखते हैं ER। तो कितने प्रकार का है, दो प्रकार का होता है। पहला होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा होता है स्मूथ इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो दो प्रकार से होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखिए रफ और स्मूथ क्यों होता है, ये राइबोसोम का इसके ऊपर पाए जाने के कारण। आपको अभी बताया था ना जब हम राइबोसोम पढ़ा रहे थे कि राइबोसोम जो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर चिपका रहता है केमिकल के द्वारा, जिस केमिकल का नाम है राइबोफोरिन के कारण ये चिपके हुए रहते हैं। तो ये राइबोसोम के पाए जाने के कारण, राइबोसोम की उपस्थिति के आधार पर ही इसका जो है दो प्रकार है। अगर रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब है कि इस पे आपका राइबोसोम का कण ऐसे चिपका रहेगा, राइबोसोम का कण चिपका रहेगा। तो ये आपका क्या हो गया, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसे क्या कहेंगे, RER, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्या है कि अगर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्या है कि कोई भी राइबोसोम का कण नहीं है तो इसको कहते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER। तो बस इंडोप्लाज्मिक राइबोसोम की उपस्थिति के आधार पर ही दो भागों में बटा है। अगर राइबोसोम के कण इसके ऊपर पाए जा रहे हैं तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नहीं पाए जा रहे हैं तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो प्रकार हैं इसके। अब अगर काइंड्स की इसके काम की बात करें तो इसका काम क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वर्क क्या है, फंक्शन क्या है। फंक्शन देख लीजिए, कार्य। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, अब देख रहे हैं आप कि एक कोशिका जो बनाए थे हम, तो इस कोशिका में आप देख रहे हैं कि ये आपका न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस में यहाँ से भी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ तक निकला है, इधर भी निकला है, इधर भी निकला है, इधर भी निकला है, यानी कि देख रहे हैं कि ज्यादातर भाग आपका कवर कर रहा है कि नहीं कवर कर रहा है, कवर कर रहा है ज्यादातर भाग, यानी कि यह मैक्सिमम पार्ट को इस सेल के कवर किए हुए है। तो इसलिए इसका नाम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग कहते हैं। यह कोशिका के अंतःकंकाल
का काम करता है। जैसे मनुष्य है तो मनुष्य में क्या है कि पूरी शरीर में मांसपेशियां सब ऊपर के जो मांस है सब गल जाने के बाद, अंगों के गल जाने के बाद जो हड्डी कंकाल जो बचता है हड्डी, तो जो हड्डियां बचती हैं तो भाई जीवित है तो हड्डी कह रहे हैं, मर गया तो कंकाल। तो जो ऐसी जो कोशिका है तो कोशिका के अधिकांश भागों में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फैला हुआ है, तो इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी क्या करता है उसके कंकाल का निर्माण करने का काम करता है, यानी संपूर्ण कोशिका खत्म होने के बाद हमको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दिखाई देगी। तो यह कोशिका के अंतः कंकाल का काम करता है। दूसरा चीज कि इसका काम जो आप लोग बेहतर तरीके से जानते हैं, दूसरा एक और काम है, यह कोशिका के अंदर विभिन्न प्रकार के पदार्थों के परिवहन का कार्य करता है। मतलब क्या है, देख रहे हैं कि यह किससे जुड़ा हुआ है आपका, ये कोशिका से, ये जो है आपका न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ है, ये आपका न्यूक्लियर कोर है, ठीक है, ये न्यूक्लियर कोर है। तो आपको बताया गया था कि इस प्रोटोप्लाज्म से कोई भी चीज न्यूक्लियस के अंदर आया तो यहाँ से अंदर बाहर जाने के लिए न्यूक्लियर कोर की सहायता से ही जाते हैं, आते जाते हैं। तो ये क्या है, न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ है। अब न्यूक्लियस के जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वह अगर मान लीजिए कोशिका को आवश्यकता है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो सेल मेम्ब्रेन है, आपको बताया गया था कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल वॉल नहीं, सेल मेम्ब्रेन सेमी परमीएबल होता है, यानी कि यह अर्धपारगम्य होता है, इसमें सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होती है, यानी कुछ चीजों को सेलेक्ट करके अंदर या बाहर करने का भी काम करता है। तो ये जो मेम्ब्रेन है इसी से जुड़ा हुआ है अगर ये यार आपका, तो ये क्या करेगा कि अंदर के पदार्थ को बाहर और बाहर के पदार्थ को अंदर, और चूंकि यह न्यूक्लियस से डायरेक्ट खुल रहा है, किसमें, सेल के अंदर, डायरेक्ट खुल रहा है न्यूक्लियस से, यहाँ देख लीजिए इधर भी खुल रहा है, यहाँ भी खुल रहा आ रहा है। तो ये क्या करता है कि विभिन्न क्या कर रहा है, कोशिका के अंदर विभिन्न प्रकार के पदार्थों के परिवहन का कार्य करता है। तो ये न्यूक्लियस से कोशिका में और कोशिका से न्यूक्लियस में पदार्थों के परिवहन के लिए एक माध्यम का काम करेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये पॉइंट आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्या है आपका थर्ड वाला, आप लोग जानते ही है कि जो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे पाया जा रहा है क्या, राइबोसोम का कण पाया जा रहा है, और अगर राइबोसोम का कण पाया जा रहा है तो राइबोसोम किसमें भाग लेता है, प्रोटीन के संश्लेषण में, जाहिर सी बात है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन संश्लेषण, में भाग लेता है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेगा। तो भाई स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी तो कोई काम करेगा, इसका भी तो काम होगा। तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है SER, ये क्या करता है, फास्फोलिपिड एवं हिंदी में लिख दे रहे हैं लाइपो प्रोटीन, यह फास्फोलिपिड एवं लाइपो प्रोटीन जो कि आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो मुख्य अवयव है,
तो इस फास्फोलिपिड और लाइपोप्रोटीन, क्योंकि देख रहे हैं कि मेम्ब्रेन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लगा हुआ है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आपको बताया गया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जब हम बताए थे मॉडल, तो उस मॉडल में बताया थे कि फास्फोलिपिड और लाइपोप्रोटीन, लाइपो मतलब लिपिड और प्रोटीन, और फास्फोलिपिड यानी कि क्या है कि लिपिड और फास्फो यानी कि फास्फेट और उसके बाद लिपिड। तो ये प्लाज्मा का मेम्ब्रेन का जो केमिकल कंपोनेंट है इसके भी संश्लेषण का काम के संश्लेषण में सहायक होता है, ठीक है। तो इसके भी संश्लेषण में जो कि मुख्य अवयव है किसका, आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के केमिकल कंपोजिशन का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रासायनिक संगठन का जो मेन कंपोनेंट है आपका फास्फोलिपिड और लाइकोप्रोटीन, इसके संश्लेषण में भी सहायता करता है कौन, SER। ये डायरेक्टली संश्लेषण नहीं करता बल्कि करता क्या है, सहायता करता है, ठीक। नीचे दिखेगा नहीं, ऊपर का हम मिटाते हैं, एक नोट करते जाइएगा। लीवर सेल में कौन नंबर था, पांचवा, लीवर सेल यानी यकृत की कोशिकाओं में SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटॉक्सिफिकेशन का कार्य करता। देखिए डी का मतलब ही होता है कि निकालना, डी मतलब क्या होता है, जैसे डी जनरेट का मतलब होता है उत्पन्न करना और डी जनरेट का मतलब खत्म करना, तो डी का मतलब ही होता है निकालना। टॉक्सी का मतलब क्या, विषैला, और फिकेशन एक क्या है, क्रिया है, फिकेशन एक क्रिया है, लग जाता है लास्ट में। तो डिटॉक्सिफिकेशन यानी कि जो जहरीली चीजें हैं, जो टॉक्सिक चीजें हैं लीवर में, लीवर की कोशिकाओं में क्या है कि जो जहरीली चीजें गई हुई हैं लीवर सेल में, उन जहरीली चीजों को निकालने का काम जो है डिटॉक्सी यानी कि निकालने, डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब कि क्या है कि उन जहरीली चीजों को निकालेगा तभी ना डिटॉक्सिफिकेशन होगा, तो उनको निकालने का भी काम कौन करता है, SER करता है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि लीवर सेल हमारे क्या है कि यह लीवर जो होता है पाचन में एक अहम भूमिका निभाता है, तो जब पाचन की क्रिया होती है तो इसमें क्या है, इससे निकलता क्या है हमारा, बाइल निकलता है, लीवर से बाइल निकलता है जो स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। अगर यह संक्रमित हो जाएगा, अगर यह डिटॉक्सिफाई हो गया तो क्या, सॉरी डिटॉक्सिफाई, अगर यह टॉक्सिफाइड हो गया यानी कि जहर विषैला हो गया तो हमारा भोज्य पदार्थ भी विषैला हो जाएगा यानी कि शरीर में जहर पूरी फैल जाएगी, इसलिए इसको निकालना जरूरी होता है। जो काम कौन करता है, SER करता है, ठीक। तो ये हमारा नेक्स्ट हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गॉल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम के बारे में, ठीक। तब तक के लिए आप लोग इसको क्या है कि अपने याद करिएगा और नोटबुक में इसको अपने लिखते जाइएगा सारी चीजें। धन्यवाद।